कुदरत का करिश्मा भी निराला है और इसी के चलते सारा विज्ञान एक जगह पर आकर रुक जाता है। ऐसे कई अद्भुत मामले हमारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर हमें हैरानी होती है, पर वो सच होता है। शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन एक ये भी सच है कि कई लोग बिना उस पार्ट के भी जन्म लेते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया की रहने वाली 20 वर्षीय पैंग डीएंजिलो में देखने को मिला। इस लड़की के दो प्राइवेट पार्ट यानी दो प्रजनन प्रणाली है। मेडिकल के शब्दों में इसे यूट्रस डिडेल्फिस कहते हैं। इसका मतलब किसी भी महिला के शरीर में दो योनियां यानी दो गर्भाशय और दो गर्भाशय ग्रीवा हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक दो प्रजनन प्रणाली के चलते पैग डीएंजिलो को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीएंजिलो को दो महावारी की दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते अगर वो गर्भवती होती हैं तो उसके भी लक्षण सामान्य नहीं होंगे। ऐसे में उसे गर्भवती होने का जल्द पता भी नहीं चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पैग डीएंजिलो एक साथ एक ही समय में अपने दोनों गर्भाशय में गर्भ धारण कर सकती है क्योंकि उनकी दोनों प्रजनन प्रणालियां सही से काम कर रही हैं। खबरों की माने तो पैग डीएंजिलो को 18 वर्ष की उम्र तक इस दुर्लभ शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। 2 साल पहले जब वो अनियमित महामारी को लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क की तब उन्हें इस बात का पता चल सका। ऐसे में डीएंजिलो को कभी कभी 15 दिनों में 2 बार महावारी हो जाती है। पैग डीएंजिलो कहती हैं कि जब भी मैं इस बारे में लोगों को बताती हूं तो लोग चौंक जाते हैं। लोगों को लगता है कि दोनों योनियां मेरे शरीर के बाहरी हिस्से में दिखाई देती हैं। ऐसे में उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो इसका पता पहले चल जाता। डीएंजिलो ने कहा कि MRI करने के बाद इसका पता चल सका है